बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिस इज रोहेल अंसर। बेटा आज हमारे पास लेक्चर नंबर 21 है। लेक्चर नंबर 21 में एक्सरसाइज तो हमारे पास हो ही गया एक्सरसाइज 1.6, बट एक्सरसाइज 1.6 का आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आज हमने 3 क्वेश्चन करने हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आज के लेक्चर में है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 क्वेश्चन है आज के लेक्चर में बेटा। बहुत आसान से क्वेश्चन है, हमारे पास स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट से सबसे पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उन इक्वेशंस को हमारी मर्जी है कि हम उसे ग्रामर रूल की मदद से करें चाहे इनवर्स मेथड की मदद से करें। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, रीड करते हैं। क्वेश्चन कहता है जी, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ इज 4 टाइम इट्स विड्थ, उसके विड्थ का 4 टाइम। तो सबसे पहले तो हमें इस सवाल में रेक्टेंगल की लेंथ एंड रेक्टेंगल के विड्थ का मालूम होना चाहिए, तो हम यहाँ पे नहीं गिवन, तो हम इन्हें लेट कर देते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैं एक्स लेट कर देता हूं एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल वाई, ये हमने लेट कर दी। आगे क्या कहता है सवाल में, कहता है जो लेंथ है इज लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लेंथ क्या है एक्स, वो क्या है, वो है जी 4 टाइम ऑफ द विड्थ, उसकी विड्थ की 4 टाइम है। विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई लंबाई है, चौड़ाई की बात है। तो बाय गिवन कंडीशन लेंथ जो है वो 4 टाइम है किसकी, विड्थ है। मतलब लेंथ अगर हमारे पास एक्स है, ये इक्वल हो जाएगी विड्थ के 4 टाइम के। 4 टाइम से मुराद 4 से मल्टीप्लाई करना है किसको, विड्थ को। विड्थ की 4 टाइम है तो 4y, यहां से मैं इक्वेशन बनाता हूं एक्स माइनस 4y इक्वल टू 0। ये तो बन गया हमारे पास बेटा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या है हमारे पास बेटा, अब उसके बाद बेटा ऐसे है कि हमने यहां पे आगे कहते हैं कि द पैरामीटर ऑफ द लेंथ, जो रेक्टेंगल का पैरामीटर है वो हमारे पास 150 है। तो बेटा हमें पता है जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर इक्वल होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। अब बेटा पैरामीटर ने हमें गिवन किया 150, 2 × लेंथ हमने कैलकुलेट किया एक्स एंड विड्थ हमारे पास वाई, तो देन बेटा यहां से एक्स प्लस वाई हमारे पास बनता है 75। अगर मैं इसे, ये इक्वेशन 1 है बेटा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 75, ये बन गई बेटा इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन है एक्स माइनस 4y इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 75। अब बेटा ये दो इक्वेशन बन गए, इन्हें बिल्कुल सही एज इट इज ऐसे करेंगे जैसे अभी हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2, 1 के तमाम पार्ट के। बाय ग्रामर रूल या इन्वर्जन मेथड को आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से करना चाहते हैं। बिल्कुल आप पर से, मैं इसे ग्रामर रूल की मदद से सवाल को हल करता हूँ। तो सबसे पहले वही हम इसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, इक्वल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, एक्स माइनस 4y एक्स प्लस y इक्वल आपके पास बेटा 0 एंड 75। उसके बाद बेटा जब इक्वल मैट्रिक्स में हमने कन्वर्ट किया तो यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स के मल्टीपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे बेटा, 1 − 4 1 एंड 1 एंड इसी तरह ये वेरिएबल कॉलम इक्वल टू 0 एंड 75। ओके बेटा अब आपके पास जहां पे हम इन्हें लेट करेंगे बेटा जी, इनके नाम मतलब के फर्स्ट मैट्रिक्स ए बन जाएगी आपके पास 1 − 4 एंड 1। उसके बाद हमें ग्रामर रूल के अंदर ए एक्स भी मालूम करना होता है। ए एक्स का मैंने बताया कि जो एक्स के कोफिशियंट है, इन एक्स के कोफिशियंट की जगह पे हम ये बी वाली कोफिशियंट मतलब 0 एंड 75 को पुट करेंगे। यहाँ पे मैं बी भी लेट कर देता हूँ, 0 एंड 75 और सॉरी बेटा 0 − 75 − 4 एंड 1। इसी तरह ए वाई की जो हमें जरूरत है तो ए वाई, वाई के जो कोफिशियंट है उसकी जगह हम बेटा पुट कर देते हैं बी की वैल्यू, 0 एंड 75।
ओके बेटा अब क्रैमर रूल आप अप्लाई करते हैं तो हम सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे बेटा जी। बेटा जी ए का डिटरमिनेंट हमारे पास 1, 1 -4 and 1 को सॉल्व करते हैं तो 1 - 1 - 4 तो इक्वल टू हमारे पास ये बनता है 1 + 4 = 5 जो नॉट इक्वल टू, क्योंकि अगर ए ही जीरो आ जाएगा तो फिर ये आगे नॉट पॉसिबल। इसी तरह आप सेकंड हमारे पास बेटा ए एक्स का डिटरमिनेंट, ए एक्स का डिटरमिनेंट ये ए एक्स की वैल्यू हमने फाइंड किया 0, 75 - 4 and 1। जहां पे हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो कैलकुलेटर हम जब इस्तेमाल करते हैं तो बेटा जीरो को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 नेगेटिव एंड -4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 4 × 75 बेटा तो ये आता है बेटा 300 -300 तो 0 + +3 बेटा तो आपको पता है ये किसके इक्वल होता है 300। फिर इसी तरह अब हम यहाँ पे ए वाई का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो ए वाई भी आपने यहाँ पे वैल्यू बनाई है बेटा, ए वाई हमारे पास 1, 1, 0 and 75। अब बेटा ए वाई की वैल्यू जब हम इसे फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 1 × 75 = 0 and 75। अब हमने तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए एक्स का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट बेटा ए एक्स आपके पास 300 / 5। सिंप्लीफिकेशन अगर हम करते हैं इसकी बेटा इसकी सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं तो 5, 6 / 30 and 0। इसी तरह y = a y का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट 75 / 5। कटिंग करते हैं बेटा हम इसकी 5 × 5 = 50। तो बेटा ये हमारे पास लेंथ इस हिसाब से हमारे पास बना दी हमने, लेंथ हमारे पास बन जाएगी 60 क्योंकि लेंथ हमने एक्स लेट की हुई है और विड्थ हमने वाई लेट किया हुआ है तो विड्थ हमारे पास बन जाएगी बेटा जी 50 का 4 टाइम करते हैं तो हमारे पास 60 ही आता है जो उसने इक्वेशन कही थी, बिल्कुल एक्यूरेट। ओके बेटा ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का भी आपको स्टेटमेंट समझा देता हूं। ये क्वेश्चन इसी तरह ही है, सेम है भी। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिफर बाय द 35। जहर उसी वही बात कर रहे हैं कि रेक्टेंगल की टू साइड्स का डिफर है हमारे पास 3.5। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल की टू साइड लेट कर देते हैं, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स एंड वेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू वाई बाय गिवन कंडीशन। जो फर्स्ट कंडीशन वो हमें गिवन कर रहे हैं वो हमें गिवन करता है, कहता है इन दोनों का डिफर आप लेते हैं तो आपके पास आता है 3.5। ये बन गई आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड में वो कहता है आपके पास फाइंड द डिमेंशन, आप इसकी डिमेंशन यानी कि लेंथ और विड्थ फाइंड करें। इफ अगर आपके पास पैरामीटर ऑफ द लेंथ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल का पैरामीटर है वो आपके पास 67 cm है। तो मैंने भी आपको बताया था कि पैरामीटर इक्वल होता है 2 × लेंथ + विड्थ। तो पैरामीटर उसने हमें गिवन किया 67 2 × x + y। यानी कि यहां से हम अगर 2 को डिवाइड करवाते हैं तो x + y = 13.5, देन x + y = 33.5। ये बन गई इक्वेशन 2। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को राइट कर देता हूँ, x - y = 3.5 एंड x + y = 33.5। अब यहाँ से आगे बिल्कुल वैसे ही हम सोल्व करेंगे जैसे भी हमने एक सवाल अपना क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड, को आपकी मर्जी है कि जैसे मर्जी सॉल्व करें। इसी तरह अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये तो था क्वेश्चन नंबर 3, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, आज का आखिरी क्वेश्चन। इसे बेटा आगे डू योरसेल्फ, आपने खुद करना है बेटा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहते हैं, कहते हैं द थर्ड एंगल ऑफ एन एसोसेलिस ट्राइंगल। अब एसोसेलिस ट्राइंगल क्या होती है बेटा, ऐसी ट्राइंगल
जिसकी दो साइडें आपस में इक्वल हो। एसोसेलिस ट्रायंगल, अब यहाँ एंगल की बात है, ऐसी ट्रायंगल है जिसके ये दो एंगल आपस में इक्वल है और ये उसका थर्ड एंगल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेट कर देता हूँ थर्ड एंगल ऑफ एसोसेलिस ट्रायंगल। ये तो थर्ड एंगल है, इसे मैं वायलेट कर देता हूं और जो सेम एंगल है उन्हें हम लेट कर देते हैं एंड सेम एंगल पर जो दोनों सेम एंगल ऑफ एसोसेलिस ट्रायंगल इक्वल टू एक्स, यानी कि ये भी एक्स ये भी एक्स। अब बेटा यहां आपको एक बात मालूम है जो हम वी नो डेट हम जानते हैं, वो क्या बात है कि ट्रायंगल्स के अगर तीनों एंगल्स को सम किया जाए तो 180 आता है। कि अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं x प्लस एक्स, चलो लिख देते हैं यहां वी नो डेट, हम ये बात जानते हैं कि अगर ट्रायंगल्स के तीन एंगल्स को मैं सम करता हूं तो मेरे पास इक्वल होता है 180 डिग्री। तो यहां से बेटा 2x प्लस y इज इक्वल टू 180, ये बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, सेकंड इक्वेशन कहता है जी जो थर्ड एंगल है ऑफ एन एसोसेलिस ट्रायंगल इज 16 लेस, वो 16 डिग्री लेस है किससे, टू टाइम ऑफ द सम ऑफ द टू एंगल्स। मतलब कि ये कहता है जी ये जो थर्ड एंगल है, ये वाला थर्ड एंगल, ये आपके पास 16 डिग्री लेस है, मतलब 16 डिग्री इसमें कम है, इससे कम है, इन दोनों एंगल के सम में से 16 डिग्री कम है। अब बेटा दोनों को हमने इक्वल करना है, बैलेंस करना है, तो इस पे दो कंडीशन है, या ये है कि आप इस वाले थर्ड एंगल ये जो कम है इसमें 16 डिग्री जमा कर दें, ठीक है ना, मतलब ये वाली चीज कम है कितनी, 16 डिग्री कम है इसके सम से, या तो हम इसमें 16 डिग्री ऐड कर दें या फिर हम इसमें 16 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दें, दो में से एक कम। तो हम ये करते हैं कि जो इसमें कम है ना 16 डिग्री, हम उसमें 16 डिग्री को ऐड कर देते हैं, तो उससे ये देखो ना कि ये 16 डिग्री कम था तो मैंने इसमें 16 ऐड करने के बाद ये जो 2 टाइम है इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, y प्लस 16 इज इक्वल टू 2x एंड इज इक्वल टू 2x माइनस y एंड 16, या 2x माइनस y इज इक्वल टू 16, ये बन जाएगी इक्वेशन सेकंड। तो बेटा अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को बनाता हूँ तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 16 डिग्री। तो डिग्री बेशक आप साइन ना लगाएं, बाद में एंड में हम जब लेट यहाँ पे जो हमने लेट किया यहाँ हम डिग्री को यूज करते हैं। और अब आप क्या करेंगे, सेम एज इट इज क्रैमर रूल इस पे अप्लाई करके मैट्रिक्स फॉर्म बना के क्रैमर रूल अप्लाई करके इस सवाल को आप यूएसएफ आपको देंगे करेंगे। ओके बेटा, अगर इस टॉपिक के मुतालिक किसी को ना समझ आई हो तो आप हमें राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।